जी नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप महारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दरअसल आज की खबर आप सभी को चौंकाने वाली है। आज की खबर स्वास्थ्य विभाग के लिए शर्मनाक है। आज की खबर यदि आप देख रहे हैं और आप कमज़ोर दिल के व्यक्ति हैं तो इस खबर को ना देखें, क्योंकि हो सकता है कि आज किसी गांव के किसी एक व्यक्ति के साथ ये हुआ है, लेकिन कल को ये स्वास्थ्य विभाग आपके परिवार के साथ भी जान का खिलवाड़ कर सकता है। चलिए अब डिटेल में चलते हैं, आपको पूरी जानकारी देते हैं कि हुआ क्या है। दरअसल भंडावत गांव में, जीरापुर तहसील के अंतर्गत आता है भंडावत गांव में आकाशीय बिजली गिरने से चार लोग घायल हुए और उन चारों को जीरापुर के सिविल अस्पताल में लाया गया। उसमें से एक व्यक्ति जिसका नाम बद्रीलाल राठौर था, उस व्यक्ति को डॉक्टरों ने मृत घोषित करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा सर, मृत घोषित करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया डॉक्टरों ने, लेकिन बाद में पता चला कि वो व्यक्ति जिंदा है। उसके हाथ ऐसे चल रहे हैं, उसकी धड़कनें तेज हुई है जब वो पोस्टमार्टम के लिए उसको ले जा रहे थे। फिर वापस से उस व्यक्ति को सिविल अस्पताल में लाया गया, डॉक्टरों से बोला गया कि ये व्यक्ति जिंदा है, लेकिन फिर जब डॉक्टरों ने चेक किया तो वो व्यक्ति मर चुका था, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। अब सोचिएगा सर, उन परिजनों पर क्या बीती होगी। ये जो एक से डेढ़ घंटे का जो फासला है, इस फासले में यदि डॉक्टर उसका सही ढंग से चेकअप करते, उसका इलाज करते, तो शायद वो व्यक्ति आज हमारे बीच में होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ डॉक्टरों की लापरवाही के कारण। वहाँ पर विधायक भी आए प्रियव्रत सिंह जी, उन्होंने भी इस पर कड़ा एक्शन लेने की मांग की है। उनकी बाइट को आप देख लीजिए, स्थिति बन गई कि व्यक्ति जिंदा है और उसको आपने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उंगलियां चल रही हैं, हाथ चल रहे हैं और आपने उसको, मुझे अभी परिजनों ने बताया, उंगलियां चल रही थी, हाथ चल रहे थे, हाँ उसका उपचार होना चाहिए था, आपने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये तो अमानवीय कृत्य है और इस अमानवीय कृत्य के लिए SDM ने मुझसे अभी वादा किया है कि वो अभी उसके। तो आपने प्रियव्रत सिंह जी को सुना कि किस तरह से वो बोल रहे हैं कि एक अमानवीय कृत्य है, और क्यों ना बोले सर, वाकई में अमानवीय कृत्य है। पूर्व विधायक हजारीलाल दांगी भी वहां पर पहुंचे, लोगों ने वहां पर जाम लगाया। कहां पर? जीरापुर के इंदर चौराहे पर लोगों ने मांग की कि इस डॉक्टर को निलंबित किया जाए। डॉक्टर का नाम विवेक दुबे है। विवेक दुबे जी, आप इतने पढ़े लिखे होकर के ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं? फिर तो यदि आपको अभी राजगढ़ शिफ्ट किया गया, इलाज के लिए राजगढ़ भेज दिया गया है इस डॉक्टर को, लेकिन इस डॉक्टर ने एक व्यक्ति की जान ली है। डॉक्टर भगवान के समान होता है, हम डॉक्टरों की बहुत इज्जत करते हैं सर, लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही कि आपने एक जिंदा व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया, उस व्यक्ति को आपने उस परिवार से जुदा कर दिया, वो व्यक्ति अपने परिवार में कभी जा नहीं पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? क्योंकि आपके कारण उसकी मौत हुई है सर, आपके कारण। आपको ध्यान देना चाहिए था। और सर, इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, एक व्यक्ति को की जान गई है डॉक्टरों की लापरवाही के कारण। लोगों ने इंदर चौराहे पर जाम लगाकर मांग की कि इस डॉक्टर को निलंबित किया जाए, लेकिन डॉक्टर को राजगढ़ शिफ्ट कर दिया गया इलाज के लिए। लेकिन उचित कार्रवाई कब तक होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। डॉक्टर को शिफ्ट करना उचित कार्रवाई नहीं है, ऐसे डॉक्टरों को तुरंत निकालना चाहिए और आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये सबसे बड़ी विडंबना है हमारे स्वास्थ्य विभाग की कि सुनते नहीं हैं। जब तक कोई पत्रकार अस्पताल में नहीं आ जाए, जब तक कोई नेता अस्पताल में नहीं आ जाए, तब तक ये लोग भर्ती भी नहीं करते हैं। कई अस्पतालों की हालत बता रहा हूँ, बड़े शहरों की, और ये राजगढ़ था। राजगढ़ में, जीरापुर में ये काम हुआ है। बोलने और कहने को कुछ नहीं रह जाता है सर, कुछ भी नहीं रह जाता है। उस व्यक्ति की जान गई है, उसकी जिम्मेदारी लीजिए, उसके परिवार को मुआवजा दिलवाइए,
उसके परिवार, देखिए अब जान तो चली गई है आपकी लापरवाही के कारण, अब उसका तो कुछ तोड़ नहीं है, लेकिन उसके पीछे जो परिवार है उस परिवार को उचित मुआवजा मिलना चाहिए। उस परिवार में अगर छोटे छोटे बच्चे हैं तो एजुकेशन, उनकी शिक्षा का क्या होगा, ये तमाम सारी चीज़ें जो जिम्मेदार व्यक्ति है उसको जिम्मेदारी लेना पड़ेगी इन तमाम सारी चीज़ों की। हम तो कहते हैं अगर विधायक जी लेते हैं तो और अच्छी बात है, तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं सर। हम इस पर राजनीति के मूड में नहीं हैं और ना ही हम चाहते हैं कि इस ऐसे गंभीर मुद्दे पर राजनीति हो, लेकिन आप सोच सकते हैं कि कितना अमानवीय कृत्य है, कैसी घटना है, इस घटना के बाद सुनने के बाद कैसा लगता होगा मन में, यह आप सभी समझते हैं। बहरहाल चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हम उनके परिवार जनों को ये भरोसा दिलाते हैं कि ज़रूरत पड़ी यदि आप हमें बुलाएंगे तो हम आपके परिवार तक भी अपने माइक को पहुंचाएंगे, आपके दर्द को सुनेंगे। इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास पैसा होता तो हम पैसे भी दे देते, लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास एक माइक है और आपकी आवाज़ है और राजगढ़ की जनता है सबसे बड़ी बात, तो यही हम आपके लिए कर सकते हैं। कभी मन हो तो बुला लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।